तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जिसे कोई भी बल्लेबाज बनाना नहीं चाहेगा। ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने खाता नहीं खोल पाया है। गोल्डन डक की हैट्रिक लगा दी है सूर्य कुमार यादव ने। हालांकि अगर सूर्य कुमार यादव के आप T20 के स्टैट्स देखेंगे तो आपको एक अलग ही बल्लेबाज नजर आएगा, एक अलग ही बल्लेबाज। 3 शतक, 180 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव T20 के दुनिया के ही, भारत के नहीं, दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज। और वही दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज जब ODI सीरीज में खेलता है तो वो हीरो से जीरो हो जाता है, एकदम फ्लॉप हो जाता है। अगर आप सूर्य कुमार यादव के पिछले 10 ODI के स्टैट्स देखेंगे ना तो मात्र 101 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने पिछले 10 ODI में, मात्र 101 रन, 10 की एवरेज से खेल रहे हैं। और अगर पिछले 3 मैचों की बात करें तो हैट्रिक लगाई है गोल्डन डक की, 0-0-0। पहले मैच मिचेल स्टार्क, पहली गेंद 0, दूसरा ODI पहली गेंद मिचेल स्टार्क 0, और तीसरा ODI सूर्य कुमार यादव, एस्टन अगर और क्लीन बोल्ड। 3 मैचों में 3 बॉलें खेली सूर्य कुमार यादव ने और 3 गोल्डन डक की हैट्रिक लगा दी। इस रिकॉर्ड को कोई भी बल्लेबाज कभी भी नहीं बनाना चाहेगा। और ये जो रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जिंदगी भर उनको चुभने वाला रिकॉर्ड है। इस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप हो गए हैं कि सूर्य कुमार यादव खुद को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, आखिर ऐसा क्यों सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है। हालांकि अब टीम मैनेजमेंट को और कप्तान को सोचना होगा कि अब सूर्य कुमार यादव को और मौके देने चाहिए या उनको बाहर बिठाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। वो ODI में पिछले 10 इनिंग में सिर्फ 100 रन बना पाए हैं, 10 की एवरेज से खेल रहे हैं, उसके बाद भी टीम उन्हें बैक कर रही है। और दूसरा ODI हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ये बयान दिया था कि सूर्य कुमार यादव एक बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है और हमें उम्मीद है कि वो ODI क्रिकेट में भी अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन कब करके दिखाएंगे, 10 इनिंग आप उठा के देख लीजिए, 100 रन बनाए हैं, 10 की एवरेज से वो खेल रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो अच्छा करके दिखाएंगे। आप उनको ब्रेक दीजिए, वो डोमेस्टिक खेलें या प्रैक्टिस करें, अपना समय लें और अपने दिमाग को फ्रेश करें, उसके बाद आए खेले, रन बनाए, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज लगातार फ्लॉप चल रहा है तो आप उसको कब तक मौका देंगे। KL राहुल भी लगातार फ्लॉप चल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ODI मुकाबले में अच्छी इनिंग खेली थी लेकिन उसके बाद जो 2 मुकाबले हुए हैं वो भी लगातार फ्लॉप रहे हैं। तो उसके बाद अब कितने मौके देंगे। वर्ल्ड कप आपके सर पे आ गया है, वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, आपकी टीम अभी सिलेक्ट नहीं हुई है कि कौन सी टीम खेलने वाली है वर्ल्ड कप में, और उसके बावजूद भी आप बड़ी बड़ी बातें तो हाँक देते हैं लेकिन आप बायलेटरल सीरीज़ हार रहे हैं, घर में हार जाते हैं, बांग्लादेश में हार जाते हैं जाके, और उसके बाद आपको वर्ल्ड कप जीतना है। कैसे जीतेंगे भाई वर्ल्ड कप आप? आपके बल्लेबाज 3-3 मैचों में खाता नहीं खोल पा रहे हैं और उनके लिए आपका बयान भी आता है कि ये हमारे बड़े प्लेयर हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं और ये हमें वर्ल्ड कप जिता के रहेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।